यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। तो फाइनली आप लोगों को जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आ चुका है। भाई मैंने एक वीडियो पे बोला था कि आप लोग कैसे सिर्फ 1000 टिकट लगा के परमानेंटली हर एक सर्वर पे फ्री में पेगासस बना सकते हो। भाई तब से आप लोगों का मैसेजेस और कमेंट वगैरह आते रहते इस टॉपिक के ऊपर। तो फाइनली गाइस मैं आज के वीडियो पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग 1000 टिकट लगा के ऑपरेशन बेस में पेगासस बना सकते हो और फिर आप उस पेगासस को हर एक सर्वर पे ट्रांसफर करके फ्री में यूज कर सकते हो। वैसे तो गाइस देखो यार 1000 टिकट नहीं, 1100 टिकट आपको लगेगा, या तो आप चाहो तो 900 टिकट में भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप 900 टिकट में बनाओगे ना तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा झमेला है, तो इसीलिए आज मैं आपको 1100 टिकट से ही सिखाने वाला हूँ। अगर आप 1100 टिकट से सीख जाओगे तो आप इजीली भाई 900 टिकट से भी बना लोगे अपना दिमाग वगैरह लगा के थोड़ा। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को पैकेजेस बनाना आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस वीडियो पे भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे बनाते हैं पैकेजेस। खैर देखो गाइस ऑपरेशन बेस में पैकेजेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जुगाड़ करना पड़ेगा इस चीज का। इसका नाम है एवोल्यूशन एजेंट, जो कि आपको रूम से मिल सकता है, पर्पल रूम, ब्लू रूम से भी मिल जाता है कभी कभी, और टैंक, एवेंजर और हेली वगैरह भी अगर आप फोड़ोगे तो इन सब से भी मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन गाइस ऑपरेशन बेस में ना ये चीज मिलना काफी रेयर होता है। आपको ये ब्लू वाला भी चाहिए होगा, बट ब्लू वाला काफी इजीली मिल जाता है, टैंक वगैरह फोड़ोगे तो 101% मिल जाता है काफी सारे एक साथ ही। लेकिन गाइस ये पर्पल वाला जो है ना वो बहुत ज्यादा रेयर होता है, तो अगर आप कभी कभी टैंक वगैरह किल करोगे आपको लगेगा कि भाई शायद से ये मिलेगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, आपको बहुत बार किल करना पड़ेगा तब जाके एक दो करके धीरे धीरे मिल जाएगा। और आपको ये टोटल जुगाड़ करना है 14 आपको एवोल्यूशन एजेंट जुगाड़ करना है। ये वाली चीज मेरे पास तो फिलहाल भाई 21 है, हालांकि इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 14 एवोल्यूशन एजेंट का ही जरूरत पड़ने वाला है। उसके बाद गाइस जैसे ही 14 आपके पास एवोल्यूशन एजेंट हो जाता है फिर आपको कुछ घोड़ा वगैरह टेम करना है। तो मैंने भाई अपने लिए एक वुडन ग्लव बना लिया है क्योंकि मेरे को थोड़ा घोड़े को डैमेज देना है। इसको डैमेज देते हैं, ये मारा एक पटका, ओ भाई थोड़ा सा डैमेज आया, कोई बात नहीं एक दो हिट और मारना पड़ेगा, उसके बाद जाके गाइस हमको इस घोड़े को टेम करना पड़ेगा। ओके ये ले भाई, ओ भाई अभी भी नहीं हुआ यार, एक हिट और खाएगा ये। मेरे पास किचन नाइफ वगैरह नहीं है, अगर किचन नाइफ होता तो काफ़ी सही रहता, बट चलो कोई बात नहीं। ओके अभी मेरे को और हिट नहीं मारना है, अगर मैं एक हिट और मार दूंगा ना तो ये घोड़ा पूरा ही भाई मर जाएगा। चलो ठीक है, अभी मेरे को आराम से ग्लव्स से इसको टेम कर लेना है। ऑल राइट गाइस, तो मैंने एक घोड़ा तो टेम कर लिया है, मेरे को भाई 4-5 घोड़ा टेम करना पड़ेगा और 4-5 हिरन भी टेम करना पड़ेगा। ओके तो मेरे को एक और घोड़ा मिल जाता है एंड मैं इस घोड़े को भी टेम करने लग जाता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो इस घोड़े को भी मैंने टेम कर लिया है। एक्चुअली गाइस हमको सबसे पहले जाइंट हॉर्न बनाना पड़ेगा, और आई होप कि आप सभी लोग को जाइंट हॉर्न बनाना तो आता ही होगा, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस वीडियो के बाद आप सीख जाओगे। लेट्स गो, तो यहाँ पर मेरे को एक इल्क मिल जाता है, इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ एंड अभी टाइम है इसको भी टेम करने का। हमको हिरन भी चाहिए होगा भाई काफ़ी सारे, देखते हमको 2 जाइंट हॉर्न बनाना पड़ेगा, और एक जाइंट हॉर्न बनाने के लिए कितना हिरन चाहिए भाई, आई थिंक 3-4 हिरन लगता होगा ना। खैर देखते हैं भाई कितना लगता है। सबसे पहले तो भाई मैं 5-6 हिरन टेम कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ज़ोंबी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मैंने तो इसको टपका दिया। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मेरे को एक और हिरन मिल जाता है, तो मैंने इसको ऑलरेडी डैमेज करके रखा था, बस इसको हमको टेम करना है। ओके तो इस हिरन को भी गाइस मैंने फाइनली टेम कर लिया है। ऑल राइट गाइस, तो मैंने कुछ हिरन यानी कि इल्क और कुछ घोड़े वगैरह टेम कर लिया है, अभी इनका टाइम है नामकरण करने का। तो सबसे पहले मैं हिरन का नाम रख दूंगा E1, एक हिरन का नाम मैंने कर दिया है E1, एंड दूसरे वाले हिरन का भी नाम हम लोग चेंज कर देंगे। ये जो दूसरा वाला हिरन है इसका नाम मैं रख दूंगा E2, और ये ई किधर गया भाई, ये रहा ई, और ये लिख दिया यहाँ पे मैंने 2। ऑल राइट गाइस, इसको कर दिया मैंने कंफर्म सेव। मैंने बस 2 ही हिरन का नाम चेंज किया, बाकी हिरन का नाम बाद में चेंज करेंगे, फिलहाल घोड़े का नाम चेंज करते हैं। तो एक घोड़े को पकड़ के मैंने इसका नाम रख दिया H1, और दूसरे घोड़े का नाम हम रख देंगे H2। फिलहाल के लिए मैंने 2 घोड़ा और 2 हिरन का ही नाम चेंज किया है, तो सबसे पहले इन सबको यूज़ करते हैं, उसके बाद बाकी पेट का नाम वगैरह चेंज करके फिर उन लोगों को यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो नाम चेंज करने के बाद आपको आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आके सबसे पहले हम लोग बड़े वाले प्लस के अंदर डालेंगे E1 को, जो कि हम लोगों ने एक हिरन का नाम चेंज करके रखा था। तो E1 वाली हिरन को यहाँ पे डाल दिया, एंड इसके साथ गाइस हम लोग मिलाएंगे H1 वाला हॉर्स को, और फिर क्राफ्ट कर दिया, और अभी हमको यहाँ पे मिल जाता है हॉर्स हेड जेम,
जो कि हमको चाहिए नहीं। हमें चाहिए होगा हॉर्स टेल जेन जो कि हमको मिला नहीं, तो हमको ये चीज दोबारा से करना पड़ेगा ताकि हमको हॉर्स टेल जेन मिले। हॉर्स टेल जेन मिलेगा तभी गाइस हम लोग जाइंट हॉर्न बना पाएंगे। तो चलो दोबारा करते हैं, ये वाला तो अपना वेस्ट चला गया। तो अभी E2 जो है E2 वाली हिरन को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसके साथ हम लोग मिलाएंगे H2 को। ओके, तो ये रहा H2, इसको मैंने यहाँ पे डाल के ये कर दिया मैंने यहाँ पे क्राफ्ट। एंड लेट्स गो गाइस, अभी हमको फाइनली मिल चुका है हॉर्स टेल जेल। ओके, तो अभी आपको आ जाना है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे एंड यहाँ पर आके एक स्लॉट पे आपको रख देना पड़ेगा आपकी जिस हिरन पर हॉर्स टेल जेन आया था वो वाली हिरन। तो अपने भाई E2 पे आया था हॉर्स टेल जेन, उसको मैंने रख दिया। एंड नीचे वाली स्लॉट पे आप कोई भी हिरन यूज़ कर सकते हो, चाहो तो नॉर्मल कोई हिरन यूज़ कर लो या फिर मैं चाहूँ तो जिस हिरन पे मेरा हॉर्स हेड जेन आया था वो वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं हॉर्स हेड जेन वाला हिरन ही यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि उसके अलावा और उसका कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल हिरन भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसको भाई अभी मैं एवलॉक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास फिलहाल बूस्टर नहीं है, तो मेरे को सबसे पहले ये ग्रीन वाली बूस्टर खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए गाइस आपको आ जाना है ये पेट शॉप पे। एंड पेट शॉप पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये रहा ग्रीन वाला बूस्टर जो कि 200 ट्रेड टिकट में आप एक खरीद सकते हो। तो आपको ऐसे दो बूस्टर चाहिए होगा यानी कि टोटल 400 ट्रेड टिकट। तो यहाँ पर देख सकते हो यार मेरी आईडी पे फिलहाल ट्रेड टिकट नहीं है, तो मैं इसको अभी के लिए टिकट से खरीदने वाला हूँ। 200 टिकट का एक आता है, बट आप टिकट से मत खरीदना, आप ट्रेड टिकट से ही खरीदना। ओके गाइस, तो मैंने बूस्टर तो खरीद लिया है, अभी हमको दोबारा से आ जाना है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे। एंड जो कि हम लोगों ने हिरन बना के रखा था अपने E2 एंड E1, उन दोनों को मैं दोबारा से यहाँ पर डाल दूंगा। ओके, E2 को डाला मैंने सबसे पहले और E1 को नीचे। आप चाहो तो इसको उल्टा भी करके डाल सकते हो, जैसे कि E1 ऊपर और E2 नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल यहाँ पे ऐसे डालने के बाद बूस्टर के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद इसको गाइस एवलॉफ कर दो। ऑल राइट गाइस, तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो अपना जाइंट हॉर्न बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को सेम टू सेम इस टाइप का एक और जाइंट हॉर्न बना लेना है क्योंकि पेगासस बनाने के लिए दो जाइंट हॉर्न की जरूरत पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने जाइंट हॉर्न को मैंने बाहर निकाल लिया है, काफ़ी सही लग रहा है। तो आई होप कि अभी लोग जाइंट हॉर्न इजीली बना लोगे ऑपरेशन बेस के अंदर। वैसे प्रोसेस से में बस यहाँ पे थोड़ा टिकट्स वगैरह ज्यादा लगता है। तो दो जाइंट हॉर्न बनाने के बाद गाइस आपको यहाँ से दो और पेट खरीद लेना है जो कि 100-100 टिकट का मिलता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट और दूसरा है विंड गेट बिस्ट। तो यहाँ पर ये जो पेड़ देख पा रहे हो ये है विंड गेट बिस्ट और इसकी बाजू वाला है इलेक्ट्रॉनिक बिस्ट। आपको दोनों ही पेट एक एक खरीद लेना है। एंड साथ ही साथ गाइस आपको ये भी खरीद लेना है, ये रेड कलर का सिरिंज आता है जिसका नाम है जेन लॉकिंग फैक्टर। ये गाइस एक आता है 299 टिकट्स पे और आपको जरूरत पड़ेगा तीन का, इसका मतलब यहाँ पे 900 टिकट चला जाएगा आपका। तो खरीद लेना भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइस आप लोगों को आ जाना है पेड लिस्ट पे एंड यहाँ पर आके आप लोगों ने जो दो जाइंट हॉर्न बना के रखो इसका भी नाम चेंज करके कुछ अलग कर देना है। तो मैं एक जाइंट हॉर्न का नाम रख रहा हूँ E1 और दूसरे जाइंट हॉर्न का मैं नाम रखूंगा E2। चलो भाई 3 गलती से लिख दिया था। ओके गाइस, तो इसका भी मैंने नाम चेंज कर दिया। अभी आपको आ जाना है यहाँ पर एंड यहाँ पर आके सबसे पहले हम लोग डालेंगे E1 को एंड उसके बाद हम लोग इसके साथ मिस करने वाले विंड गेट बिस्ट को। तो विंड गेट बिस्ट अपना किधर गया भाई, ये रहा विंड गेट बिस्ट। विंड गेट बिस्ट को मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड भाई आपको क्राफ्ट नहीं करना है, आपको अभी यहाँ पर सबसे पहले लॉक करना पड़ेगा जेन लॉकर से। तो आपको देखो क्या क्या अलग करना है भाई, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना और याद रख के ऐसा सेम टू सेम ही करना, वरना आपका पेगासस बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ देख सकते हो लिखा आ रहा है जाइंट हॉर्न टेल, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके ऊपर ठीक देख सकते हो जो लिखा है उसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। तो ये जो नीचे का दो ऑप्शन है इन दोनों को लॉक करना है आपको, उसके बाद इसको कर देना है क्राफ्ट। ये देखो और हमको मिल चुका है विंड गेट बीस्ट विन, तो यही चाहिए था हमको। ये गाइस बिल्कुल कन्फर्म मिलेगा अगर आप ऐसे ही करके लॉक करते हो तो। एंड उसके बाद गाइस आपको दोबारा से यहाँ पर आ जाना है और आपका जो दूसरा जाइंट हॉर्न बचा था जो कि था E2 को डाल देना है यहाँ पर। एंड इसके साथ हम लोग मिक्स करने वाले अपने इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट को, तो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट यहाँ पे डाल दिया। एंड इसके साथ भी गाइस कुछ लॉक वगैरह करना पड़ेगा, तो लॉक इसके साथ सिर्फ एक ही चीज़ करना है वो है जाइंट हॉर्न टेल जेन, तो इसको बस लॉक कर देना है। उसके बाद आपको क्राफ्ट कर देना है जिससे कि आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट।
फिलहाल तो गाइस देखो मैं इसको क्राफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये रेड वाले सीरीज नहीं है और इसको एक खरीदने के लिए मेरे को 300 टिकट चाहिए होगा जो कि मेरी इस आईडी पे तो नहीं है, बट आप लोग इसको क्राफ्ट कर लेना बिल्कुल सेम टू सेम इस टाइप से। एंड चलो मैं अभी आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ मेरी दूसरी आईडी में जाके। ओके गाइस तो अभी देखो यार आपके पास अभी होगा दो दो जाइंट हॉर्न, एक के अंदर लगा होगा इलेक्ट्रॉनिक बीस्ट और दूसरे के अंदर लगा होगा विंड गेट बीस्ट। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो मेरे पास दो दो जाइंट हॉर्न है, एक E1 और एक E2 नाम का। तो अभी आपको ऑपरेशन बेस में और कुछ भी नहीं करना है, इससे आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। आपको आ जाना है सिंपली इस हेली के पास एंड यहाँ पर देख सकते हो लिखा है भाई ट्रांसपोर्ट। सिंपली आपको ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपकी बैग में जितने भी सामान वगैरह है वो सब दिखेगा एंड आपके जॉइंट हॉर्न भी दिखेगा। सिंपली आपके जॉइंट हॉर्न के ऊपर क्लिक कर देना है, वो इस साइड पे चला जाएगा और नीचे की साइड पे देख सकते हो यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट दिखा रहा है जो कि है 760 स्पेयर। तो मेरे को दोनों के दोनों जॉइंट हॉर्न को ट्रांसफर करना है, मैंने दोनों को ही डाल दिया एंड दोनों का जो प्राइस है वो 1520 स्पेयर। तो उसके बाद बस आपको सिंपली राइट साइड पे जो कंफर्म लिखा है वहां पे क्लिक कर देना है, आपके जेब में से 1500 स्पेयर कट जाएगा ऑपरेशन बेस का और स्पेयर आपके जेब के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एंड लो भाई दोनों के दोनों जॉइंट हॉर्न हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया हमारे सर्वर के अंदर। अभी आप चाहो कोई भी सर्वर पर जाके इन दोनों के दोनों जॉइंट हॉर्न को कलेक्ट कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि अगर आप सर्वर के अंदर जाके जॉइंट हॉर्न कलेक्ट करोगे तो आपके ऑपरेशन बेस से जॉइंट हॉर्न गायब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। फिलहाल गाइस अभी मैं आ चुका हूँ सर्वर पे और सर्वर पे आपको इस टाइप का एक मेल बॉक्स बना लेना एंड मेल बॉक्स के अंदर आपको ये दोनों के दोनों जॉइंट हॉर्न दिख जाएगा। उस दोनों के अंदर ऊपर सबसे पहले क्लिक करके कन्फर्म करना है और उन दोनों को कलेक्ट कर लेना है। अभी आपके पास आ जाएगा भाई सर्वर के अंदर दोनों के दोनों जॉइंट हॉर्न, ये आप देख ही सकते हो मेरे पास आ गया अपने जॉइंट हॉर्न। तो जॉइंट हॉर्न तो हम लोगों ने सर्वर के अंदर ला दिए लेकिन हमको तो चाहिए पेगासिस। तो रुको जरा यार दिखाते हैं आपको कि कैसे आएगा पेगासिस। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो एवोल्यूशन एजेंट है ये आपको सर्वर के अंदर जुगाड़ करना पड़ेगा, साथ रूम वगैरह कर लेना सर्वर के अंदर इजीली मिल जाता है। फिर आपको चला जाना है बैटल शॉप की पेड शॉप के अंदर एंड पेड शॉप से आपको खरीद लेना है 20 स्टेट टिकट का एक बूस्टर। उसके बाद सिंपली आपका सबसे पहले मेरे को इसको ये ड्रॉप करने दो, इसको ओके ड्रॉप कर दिया। अभी आ जाना है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे एंड एक जॉइंट हॉर्न को ऊपर रख देना है, एक को रख देना है नीचे। यहाँ पे करना है बूस्टर यूज, भाई बूस्टर मैंने नहीं खरीदा, वेट वेट गाइस सबसे पहले मेरे को एक बूस्टर खरीदने दो। ये रहा पेड शॉप और ये रहा गाइस बूस्टर जो कि 20 स्टेट टिकट का एक मिलता है सर्वर के अंदर। ओके तो मैंने बूस्टर तो गाइस एक खरीद लिया है। बूस्टर गाइस इंपॉर्टेंट है, बूस्टर तो आपको हर एक सर्वर पे बस जाना है और 20 स्टेट टिकट देके एक बूस्टर खरीद लेना है। ओके तो अभी मैं सिंपली यहाँ पे ऊपर नीचे करके जॉइंट होने रखता हूँ बूस्टर यूज करके एवलॉक। लेट्स गो गाइस, तो फाइनली आपका तैयार हो चुका है पेगासिस वो भी फ्री में सर्वर के अंदर। बस ओनली 20 स्टेट टिकट आपको लगाना पड़ेगा हर एक सर्वर पे। बट गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि यार आप सर्वर के अंदर पहले दिन ही एंटर करोगे, नया नया सर्वर है और पहले दिन ही जाके पेगासिस वगैरह बना लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो अगर आप रैंक सर्वर खेलते हो तो रैंक सर्वर की स्टार्टिंग की 3 दिन बाद ही आप लोग जॉइंट हॉर्न को ट्रांसफर कर पाओगे अपने रैंक सर्वर के अंदर। और अगर आप रैंपेज खेलते हो तो आपके दूसरे दिन जाएगा जॉइंट हॉर्न वगैरह, तो वैसा ही सीनेगा उसका लिमिट रहता है। तो जब जॉइंट हॉर्न जाएगा ट्रांसफर हो पाएगा तभी आप लोग पेगासिस इजीली बना पाओगे। तो यही था गाइस 1100 टिकट लगा के परमानेंटली पेगासिस यूज करने का ट्रिक। आई होप कि अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलो गाइस यार आज के इस वीडियो पे इतना ही था। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर से अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। You're mine.